नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू की तैयारी की जा रही है। शासन प्रशासन हाई अलर्ट है। जगह जगह अनाउंस किया जा रहा है कि रात में घर से निकलना मना है। महाराष्ट्र में सिचुएशन सरकार के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। क्या पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता बचा है? मुंबई में इतना ज्यादा पैनिक क्यों है? पुणे में क्यों रात को घर से निकलना मना है? अमरावती में ऐसा क्या हुआ जो 7 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन लग गया? आखिर महाराष्ट्र में कोरोना काबू में क्यों नहीं होता? महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ये आपको पता होगा। लेकिन ये नौबत आई कैसे, इसका जिक्र कोई नहीं करेगा। आज उद्धव सरकार पूरे स्टेट में लॉकडाउन लगाने की बात कर रही है, लेकिन जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये नतीजा है लापरवाही का, चाहे जनता की तरफ से हो या सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र में 12 फरवरी से कोरोना बेकाबू होना शुरू हुआ। 12 फरवरी तक महाराष्ट्र में 20,56,575 केस थे, जो 21 फरवरी तक 21,08,84 तक पहुंच गए। यानी पिछले 10 दिनों में करीब 45,000 केस बढ़े। 3 महीने के बाद महाराष्ट्र में एक दिन में 6,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने कई सारे इलाकों में जो है वो लॉकडाउन घोषित किया है। विदर्भ में जो है तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अमरावती में 7 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। वही अमरावती के पास से सटे हुए जो जिले हैं बुलढाणा, अकोला, यवतमाल, यहाँ पर भी रात्रि के समय में जो है वो पाबंदियाँ लग चुकी है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई से सटे नासिक और पुणे जैसे बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 8 दिन में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी रही तो फिर लॉकडाउन जो है वो लगाया जा सकता है। अब लॉकडाउन लगाना है या नहीं, ये लोगों के हाथ में है। लोग अगर कोरोना के नियमों का पालन करेंगे तो केसेस में कमी होगी और लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन लोग जो है अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर लॉकडाउन लगना तय है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6,971 कोरोना के केस दर्ज हुए और 35 लोगों की कोरोना से जान चली गई। अमरावती, अचलपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अकोला, अकोट और मुर्तजापुर में कल से 2 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। नासिक, पुणे में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। नागपुर में सभी कॉलेज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुंबई हाई अलर्ट पर है। जो लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं उनको सीधे फाइन किया जा रहा है। लगातार मुंबई में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो पब्लिक प्लेसेस पर बीएमसी के मार्शल मौजूद हैं, उनकी कार्रवाई, उनकी बात नहीं सुनने पर जो लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते उनसे इस तरह सफाई करवाई जा रही है जुहू चौपाटी पर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीएमसी के मार्शल्स लगातार उन लोगों को ये दंड के तौर पर दे रहे हैं, क्योंकि मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये का फाइन है। कई लोग उस बात के लिए भी तैयार नहीं होते। ऐसे में जो है बीएमसी का एक अलग रुख सामने आया है, वो लोगों से बाकायदा सफाई करवा रही है। आपका नाम क्या है? मनीष है। मनीष, आपने मास्क नहीं पहना था सही ढंग पे, बीएमसी कार्रवाई कर रही है, अच्छा लग रहा है आपको सफाई करना? नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं पहनते मास्क आप लोग? मैं नया लड़का हूँ, नेपाल से आया था घूमने के लिए, मेरे को मालूम नहीं था ऐसा है। कोरोना तो पूरी दुनिया में है। हाँ है। गलत है ना मास्क नहीं पहनना? हाँ, गलत है, गलत है। सबक मिला आपको? हाँ, सबक मिला, समझ गए। हाँ, ठीक है। यहाँ पे बीएमसी के भी मार्शल्स मौजूद हैं। ऐसे कितने लोग आपको दिन में मिलते हैं जुहू चौपाटी जैसे एरियाज पर कि आप लोग जो फाइन नहीं लेते तो आप लोगों को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ रही है? हमें सुबह से लेके कम से कम 7-8 से बहुत पब्लिक मिल जाते हैं, 10-12 से। हम अगर उनके पास दंड के लिए पैसा नहीं है तो हम ये कचरा उठवा के उनसे ये डाल के उनको बोलते करके कि यहाँ पे जो कचरा है उठाइए और डाल दीजिए डस्टबिन में। उनसे हम दंड नहीं लेते, उनको एक सबक देते हैं हम जी, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बदतमीजी भी करते हैं, बात नहीं मानते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे जो बदतमीजी करते हैं, जो मास्क पहनने के लिए बोलते हैं तो पहनते नहीं है। मार्शल्स की एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पहले उन लोगों को समझाते हैं जो लोग मास्क नहीं पहनते, फिर जाकर उनको 200 रुपये का दंड लगाया जाता है जब वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। लेकिन अब जुहू चौपाटी पर जो मार्शल्स मौजूद हैं वो लोगों को दंड स्वरूप जो है सफाई के लिए कह रहे हैं। जिस तरह इनसे साफ सफाई करवाई गई, वैसे इस चौपाटी पर ऐसे कई लोग हैं जिनसे बीएमसी मार्शल्स जो हैं साफ सफाई करके ये सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए उनको बोला जा रहा है मास्क पहनने।
महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी कोरोना से बच नहीं पा रहे। अब छगन भुजबल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सरकार लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रही है। कई राज्यों में वापस थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं। सावधानी बरतनी जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, अंतर रखना जरूरी है। तो वही हम सबको कह रहे हैं कि अगर हम ये दो तीन चीजें करें तो शायद केसेस कंट्रोल में वापस आ सकते हैं। और हमने देखा है कि पहले भी केसेस कंट्रोल में आए हैं। तो मास्क पहनना, हाथ स्वच्छ रखना और अंतर रखना, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गया है, ऑफिस सभी खुले हैं, तो एक स्वाभाविक तरीके से थोड़ा स्पाइक होना ये मुमकिन था। लेकिन आगे जाते हुए यहीं हमें अड़े रहना और खुद का ख्याल रखना, ये बहुत जरूरी है। कोरोना डरा रहा है, लेकिन मुंबई की पब्लिक कितनी बेफिक्र है वो भी देखिए। ये पब अंधेरी वेस्ट में है, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई। ऐसे एक नहीं बल्कि तीन तीन पब पर कार्रवाई की गई है। अब आपको मुंबई के दादर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक हॉल में शादी चल रही थी, लेकिन इसी दौरान बीएमसी के अधिकारी पहुंच गए और अंदर का नजारा बेहद हैरान करने वाला था। दादर के एक शादी समारोह में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग यहां पर मौजूद है शादी में, और बीएमसी की टीम यहां पर पहुंची है, वो यहां पर कार्रवाई कर रही है ताकि शादी में जो लोग शामिल हुए हैं एक साथ एक वक्त में 50 से अधिक लोग नहीं चाहिए, सोशल डिस्टेंस जो है उसका पालन करना चाहिए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि लोगों की संख्या भी अधिक है और लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हालाँकि कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कुछ लोग बिना मास्क भी यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ऐसे में नियमों का लगातार जो है उल्लंघन मुंबई में किया जा रहा है, और जिसको देखते हुए बीएमसी की टीमें भी यहां पर लगातार कार्रवाई और एक्शन कर रही हैं। शादी में एक तो 50 से ज़्यादा लोग एक वक्त में शामिल थे, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां यहां पर उड़ी है, कुछ लोग बिना मास्क भी थे, और बीएमसी की टीम यहां पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। सर ये बताइए कि आप यहां पर पहुंचे हैं और आपने क्या यहां पर पाया, किस तरह का उल्लंघन यहां पर पाया है? मराठी संघ हिंदी में आज ये वर्तक हॉल है, वर्तक हॉल में आज शादी का प्रोग्राम है। तो आज 50 लोगों का हमको मतलब गेस्ट आने के लिए बोला, लेकिन 50 से ज़्यादा गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। तो हम हॉल के जो मालिक हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर दंड। डिस्टेंस मास्क थे यहाँ पर? मास्क मोस्टली सब जगह लगाए गए थे, एक दो जगह नहीं थे, लेकिन उनको फाइन किया गया है। सोशल डिस्टेंस भी थोड़ा बहुत कम है, वो भी उड़ाया गया था वो भी। हाँ, तो क्या फाइन होगा, क्या आप कार्रवाई करेंगे यहाँ पर? आज उनका जो ये है मालिक है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको फाइन लगा जाएगा। किस तरह का फाइन होता है, किस तरह की? ये 10,000 का फाइन लगेगा उनको। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 921 केस सामने आए हैं, जिनमें 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अगर पूरे महाराष्ट्र का पिछले 5 दिनों का डेथ रिकॉर्ड देखें तो 17 फरवरी को 39 लोगों की मौत हुई, 18 फरवरी को कोरोना ने 38 लोगों की जान ली, 19 फरवरी को 44, 20 फरवरी को 40, 21 फरवरी को 35 लोगों को कोरोना निगल गया। शासन प्रशासन सब अलर्ट मोड में है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। मुंबई के मार्केट में अभी क्या हाल है वो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। हम इस समय मुंबई के बोरीवली मार्केट, सब्जी मार्केट में मौजूद हैं। आप देखें, मॉर्निंग का समय है, सुबह का समय है, इसलिए सब्जी खरीदने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पर आए हैं। हालांकि यहां पर इक्का दुक्का लोग ही बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, या कुछ लोगों ने मास्क जो लिया हुआ है मुंह पर, वो अपने मुंह पे ना रख के नीचे रखे हुए हैं, कुछ ही ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सरकार के तरफ से ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तरफ जहां बीएमसी के कर्मचारी जगह जगह पर मार्शल्स लगाकर जो लोग मास्क नहीं पहने उनसे फाइन वसूल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी अब जगह जगह पर नाकेबंदी करके एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मुंबई में मास्क ना पहनने के लिए एक दिन में 16,154 लोगों पर जुर्माना किया गया है। लॉकडाउन मुंबई में लगना चाहिए या नहीं, क्या राय है आपकी? नहीं, वो जैसा केस बढ़ रहा है उस हिसाब से तो लगना चाहिए, बिहेवियर कर उसके हिसाब से लगी जाना चाहिए, क्योंकि कोई सतर्कता नहीं है। और यार ये जो ये पेपर जो कर रहे हैं, फाइन मार रहे हैं, हाँ। वो सारे उधर मतलब वो लोग भी चीट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है।